हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमलेश एनकाउंटर मामले में लगे आरोपियों पर राजस्व मंत्री ने निकाली भड़ास। हरीश चौधरी बोले, अगर मैं दोषी हूं तो फांसी दे दो। बोले, मैं जेल चला जाऊं या फांसी हो जाए तो अफसोस मत करना, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। कमलेश एनकाउंटर मामले को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक सामाजिक कार्यक्रम में खुलकर भड़ास निकाली। मंत्री हरीश चौधरी बोले कि कमलेश प्रजापत मामले में अगर मैं गुनाहगार हूं और फांसी हो जाए तो अफसोस मत करना, लेकिन हरीश चौधरी गलत नहीं है। किन ताकतों ने किस मकसद से मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, उन सब का आंकलन करने की अपील उन्होंने 36 कौम से की। दरअसल रविवार को पूर्व जिला प्रमुख लादूराम विशोई की नवासवीं जयंती कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, विधायक मेवाराम जैन, विधायक पद्माराम मेघवाल, एम्स अधिकारी NR विशोई, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, SDM ओम प्रकाश विशोई, साधु संत विशोई समाज के अधिकारी और समाज सहित अन्य समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने ऊपर कमलेश एनकाउंटर को लेकर लग रहे आरोपों पर जमकर भड़ास निकाली। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मन से अपने विरोधियों को निशाना बनाते हुए कहा कि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर के बाद राजस्थान सरकार की अनुशंसा से CBI जांच शुरू हुई, लेकिन कई मेरे मित्र हैं जिनमें अपनी बात समाज के सामने सीधे रखने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने दूसरे लोगों को आगे करने के साथ साथ उनका उपयोग भी किया। जब कमलेश प्रजापत एनकाउंटर जांच के बाद दूध दूध और पानी का पानी होगा, तब अगर हरीश चौधरी गलत है तो जेल जाएगा, और हरीश चौधरी गलत नहीं है और बरी होते हैं तो इस विवाद के पीछे जो कोई भी ताकतें हैं उनको सामने आकर समाज को जवाब देना चाहिए। हरीश चौधरी ने कहा कि किसी और को आगे करके किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। जब कमलेश एनकाउंटर की जांच हो जाए तब एनकाउंटर से जुड़े सवाल जिंदा रखना और साजिश करने वाले लोगों से पूछना। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।